आगे बढ़ते हैं। कनाडा में जो कुछ हुआ वो बटने की वजह से हुआ था। कनाडा में उसके बाद जो एकता दिखी वो एक रहने की वजह से थी। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बटेंगे तो कटेंगे पर नई लकीर खींच दी है। उन्होंने घुसपैठियों पत्थरबाजों को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो घुसपैठिए घर के अंदर घंटी और शंख तक नहीं बजने देंगे। कई दिनों के बाद योगी ने विपक्ष पर सियासी शब्द बार छोड़े, लेकिन उनके निशाने पर अखिलेश नहीं बल्कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन थे। आप इसे झारखंड के चुनाव में योगी का शंखनाद कह सकते हैं। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, बटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। इतने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अरे अन्यायी और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा, उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। एक आलमगीर आलम थे औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डी, यहाँ के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में बनी हुई थी,
सरकार तो ऐसे होनी चाहिए जो दुश्मन में दुश्मन के दिल को दहला सके। बंटी ये मत जातियों में, ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा।